तो जी ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये है निकाह के वेन्यू की। तो बहुत ही खूबसूरत हॉल था लाहौर में, और ये जो पिक्चर्स हैं मैंने गूगल से ली हैं क्योंकि पब्लिक में आपको पता पिक्चर्स देना मुश्किल होता है। तो चलो जी व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप यानी अब्दुल्ला मोहम्मद इन अमानुल्ला के अदब में देता हूँ आपको कबूलन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक है। तो अभी जी मैं शुरू करने लगी हूँ व्लॉग को। तो जी मैं अभी जाने लगी थी पार्लर, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ जो मुझे पार्लर में चाहिए। और मैं अभी बैग रेडी कर रही थी, तो बेसिकली निकाह है मेरे कज़न का और बड़ा ही इवेटेड जो है ये सेरेमनी है। जी मेरे चाचू का भी बेटा है और हाला का भी बेटा है, तो बड़ा हमें इंतज़ार था। आपको पता है जो फैमिलीज़ में शादियां होती हैं उनका कितना इंतज़ार होता है। ये बेसिकली निकाह सेरेमनी है, रुखसती अभी नहीं होगी, अभी सिर्फ निकाह है। और चलें जी देखते हैं, मैं पार्लर से तैयार होंगी और ड्रेस मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था अब वो स्टिच होके आ गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सॉक्स वगैरह मैं रख रही हूँ ये मैंने इसलिए रखी है ताकि जब वापसी पर ठंड हो जानी है तो जूते शूते फैंसी उतार के, तो ज़ाहिर है आम चप्पल ही पहननी है तो सॉक्स लाजमी रखनी चाहिए क्योंकि सर्दियां हैं। तो सर्दियों में तो आपको पता है शादी में फैंसी कपड़ों में तो ना औरतों को वैसे ही ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाना होता है ना ऑटोमेटिकली सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो जी ये रहा मेरा ड्रेस, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टिच हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको लास्ट में अपनी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी आपके साथ, आपने लाजमी देखनी है। और कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये रहा इसकी, ये रही इसकी फाइनल लुक। और जी ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए मैंने यही वाला कलर लिया। निकाह के हिसाब से ज़रा डार्क था लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा। सामने कलरफुली ड्रेसेस पहने हुए थे, कोई ऐसा चाहिए था ये नहीं था कि सफ़ेद सफ़ेद सबने पहने, मोस्टली निकाह का सोच के यही हाल आता है। अभी हम जा रहे हैं पार्लर, मैं बच्चों को साथ ही लेके जा रही थी। मैंने कहा घर में अब क्या इनको छोड़ना, मैं साथ ही लेके जाती हूँ। ज़रा आजकल अपने बच्चों को साथ ही रखना चाहिए, जैसा माहौल है उसमें तो मदर ही केयर करे तो वो बेटर रहता है। और जी हाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ। इस बार मैंने कहा ना मैंने सारा फैशन करना है, हर भाई का नहीं कहा है, तो मैंने फॉल्स नेल्स भी लगाए हैं, अगर किसी को बुरे लग रहे हैं तो सॉरी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अब हम चल पड़े हैं और ये रात का चूंकि फंक्शन था तो हम लोग काफ़ी अर्सा काफ़ी टाइम पहले 15-20 मिनट पहले हम लोग हॉल के सामने आ खड़े हो गए। और इतना अजीब सीन ये हुआ कि अभी जो हमारे बाकी रिलेटिव्स थे वो भी नहीं पहुँचने थे, ज़ाहिर है सबने इकट्ठे होना था तो ही हॉल में पहुँचना था। और जिस सारे के हम लोग तो पहुंच गए, आप लोग किधर हो? तो मेरे मियाँ को जाना ख्याल आया कि चलो पूछते हैं कि नाम क्या है हाल का, मुग़ल आज़म फोर्ट है या दूसरा है। तो पता चला जी वो तो दूसरा है, हम कहीं और आके खड़े हैं। तो जी बड़ा एक अजीब सा सीन हुआ, फिर हम लोग उधर गए तो फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए। तो जी यहाँ पर निकाह माशाल्लाह हो गया था, शुरू मैंने आपको दिखाया है निकाह होता हुआ और यहाँ पर ये बिद रही, इसके ऊपर नाम लिखा है, बड़ी ही खूबसूरत ये क्यूट सी डिबियाँ लग रही थी ये जी। उसके अलावा ये रही ब्राइडल और साथ में ग्रूम, और यहाँ पे एक्चुअली दो निकाह हुए थे, जो हमारी भाभी हैं उनके भाई का भी निकाह था। और इसके अलावा जी खाना खुल गया और हम लोगों ने खाने पे मचा दिया हल्ला बोल दिया सॉरी। और मैंने बहुत अच्छा था खाना, बहुत ही मज़ेदार था। और मेरे बच्चों ने सिर्फ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स इंजॉय किए हैं, सर्दी होने के बावजूद मेरे बच्चों ने कोई परहेज़ नहीं करनी होती, माए जितनी परहेज़ कर करा लें बाकी बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती। और ये बहुत ही मज़े का खाना था माशाल्लाह, हम सब ने बड़ा पेट भर के खाया एज़ यूजुअल। और ये रहा पेठे का हलवा और बहुत ही लजीज था, इवन मैंने इससे पहले काफ़ी बार खाया लेकिन ये बहुत ही मज़े का था। एक्चुअली सीन ये है कि ना अच्छा नहीं लगता इस तरीके से पब्लिक में वीडियोज़ बनाना, लेकिन मैंने कहा चलो छोटे छोटे से क्लिप्स ले लेती हूँ क्योंकि जब आप यूट्यूबर होते हैं तो आपको ज़ाहिर है कॉन्टेंट चाहिए होता है, तो हमने कोई ना कोई फिर बनानी होती है। तो मैंने कहा चलो जी मैं वीडियो बना लेती हूँ छोटे छोटे से क्लिप्स। और हम सब बहनें बहुत ही हसीन लग रही थी और बड़ा हमें मज़ा आया। लड़कियों को बस यही होता है कपड़े पहन लिए तैयार हो लिया और जी फंक्शन यही होता है, लेकिन जो है फैमिली से मिलना बातें शातें करना और अच्छे मोमेंट्स को इंजॉय करना यही असल में ज़िंदगी है।
और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ये मेरी नीस हैं दोनों और बहुत ही क्यूट लग रही थी। इसके अलावा जब हम जाने लगे हैं घर, और ये चाय का सीन मुझे बाद में डालना या आया है आल, और ये देखें ये मैंने ना, मुझे सबसे चाय इतनी पसंद होती है शादियों की, लेकिन मेरे हिस्से में कोई नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, अब हम व्लॉग का करते हैं एंड, आपने लाजमी एंड तक देखने में आपको पिक्चर्स शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पे मैंने ना इधर से बड़ा एक अच्छा क्लिप मारा है कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था मुगल आज़म एंड राइट नीचे बिल्कुल ना मेरे मियाँ खड़े थे आज़म जिनका नाम है। बहुत इंजॉय किया, अल्लाह ताला दोनों को खुशपाश रखे, नसीब अच्छे करे। आप लोगों को भी व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।